दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द डेविल्स क्रिकेट की अगली वीडियो में। दोस्तों मैं हूँ आपका भाई निखिल, आज मेरे साथ है मेरे छोटे भाई विमल। दोस्तों थंबनेल देख के आपको पता चल गया कि मैं कहाँ पर आया हूँ। ये हमने यहाँ पे पहला पार्ट एक बनाया हुआ है गर्ल्स हॉस्टल, बहुत ही गर्ल्स हॉस्टल के नाम से पार्ट डला हुआ है, ठीक है, उसका देख लेना पहला पार्ट, आपको स्टोरी पता चल जाएगी। फिर भी स्टोरी मैं आपको इसकी बता देता हूँ, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, ताकि हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर एक लड़की थी, लड़कियों को गर्ल्स हॉस्टल है, तो एक लड़की थी जो जिसका परिवार उससे थोड़ी दूर रहता था, तो उस लड़की के घर वाले उसका पापा तो था नहीं, मतलब उसकी जिम्मेदारी थी उसके मामा और उसकी मम्मी पे थी। तो जो उसका मामा कहता था उसकी मम्मी वही करती थी, जो उसका मामा था वो थोड़ा था लालची टाइप का, तो उसने पैसों के चक्कर में किसी को उसका रिश्ता लड़की करवा दिया था किसी बंदे के साथ, जो कि बंदा था ज़्यादा उम्र का और नशेड़ी था, हैंडीकैप था, कुछ नहीं करता था वो, नशे वगैरह बहुत ज़्यादा करता था क्योंकि वो पैसे वाला बंदा था। बंदे ने पैसे देकर उससे शादी के लिए हाँ करवा ली थी, तो उसका मामा मान गया था शादी करने के लिए। तो उसके मामे ने उसकी मम्मी ने लड़की पे जोर डाला कि तेरी शादी उससे करेंगे और तुझे करनी ही पड़ेगी। जो लड़की है वो अभी पढ़ना चाहती थी, वो यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी अपनी, वो पढ़ के डॉक्टर वगैरह बनना चाहती थी। तो उस लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता कि तेरी शादी मुझसे करेंगे करेंगे, तो लड़की ने प्रेशर के अंदर आके यहाँ पर सुसाइड कर लिया था किसी टाइम पर। तो ये यहाँ की स्टोरी है, तो तब से लेके अब तक यहाँ पर बताया जाता है, जो भी उसकी सहेलियाँ वगैरह यहाँ पढ़ती थी उनको वो लड़की दिखाई देती थी, कभी बाथरूम में जाती थी कोई लड़की तो उसके पीछे खड़ी हुई दिखाई देती थी, रात को चीखों की आवाज़ आती थी, है ना, काफ़ी बार यहाँ पे ऐसे हादसे होने लगे थे। तब से लेके ये अब बंद पड़ा हुआ है पूरा, अभी दिखाएंगे आपको पूरा व्यू एक बार, पूरी पर व्यू दिखा दो। तो दोस्तों आपकी स्पेशल डिमांड थी एक और कि यहाँ पे परफ्यूम यूज़ करो, क्योंकि इससे ये सब चीज़ें जो कि है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, यहाँ पे कोई भी चीज़ लगा लो ऐसी नेगेटिव एनर्जी, तो इसे मैं लगा लेता हूँ। लगा देता हूँ, तो दोस्तों आपकी डिमांड थी, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि परफ्यूम का यूज़ करो यहाँ पे, तो परफ्यूम तो मैं लेकर आया हूँ क्योंकि हमें पता है कि इससे बहुत ही ख़तरनाक चीज़ हमारे साथ हो सकती है, हादसा हो सकता है। तो इसके बचाव के लिए मैं एक सेफ्टी लेकर आया हूँ, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है वो भी, आपको पता ही होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो वो इसलिए लेकर आया हूँ कि अगर हमारी कुछ हमारी जान को खतरा हुआ तो मैं तभी उसे यूज़ करूँगा यहाँ पे, वैसे वो चीज़ मैं बाहर रख के जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग से उसे अंदर लेके चला गया तो कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं हो पाएगी, जैसे कोई एक्टिविटी वगैरह वो चीज़ सामने नहीं आएगी, इतनी ख़तरनाक वो सेफ्टी हमारे पास। तो स्टार्टिंग से वो सेफ्टी को बाहर रख के जाऊँगा मैं, अगर लोड पड़ेगी तब उसे अंदर लेके जाऊँगा मैं, ठीक है मैं भाई, ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं और गूगल टाइम दिखा देता हूँ आपको। गूगल टाइम इंडिया 11:57 हो रहे हैं, मतलब 12 बजने में 3 मिनट बाकी है, ठीक है दोस्तों। 12 बजे लोकेशन पे पहुंच चुका हूं मैं, तो आज पूरा एक्सप्लोर करेंगे हम जितना हमसे हो सकेगा। EMF मीटर भी आया हमारे पास, तो ये लाइट मैंने इसलिए हाथ में रखी है क्योंकि आपको पता है वो जो लाइट है वो थोड़ी दिक्कत करती है, बंद हो जाती है बीच में, इसलिए ये लाइट मैं लेकर आया हूँ साथ में। तो आ जाओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसे बंद पड़ा हुआ है, इसकी हालत देख लो क्या हालत हो चुकी है, यहाँ पे पेड़ पौधे बीच में जो कि रास्ता हुआ कर इस टाइम पर देख लो कितना खतरनाक लग रहा है यहाँ से देखने में, कितना व्यू दिखा रहा हूँ कुछ गिरा भाई इधर से भी। दोस्तों जब पिछली बार हम आए थे यहाँ पे तब भी हमारे साथ बहुत कुछ एक्टिविटी यहाँ पे हमने रिकॉर्ड करी थी कैमरे में, 102 बार चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई थी मेरे साथ। तो आज परफ्यूम हमने इसलिए लगाया ताकि वो चीज़ बिल्कुल सामने आए। आवाज़ आ रही है भाई, हेडफोन जरूर लगा लेना दोस्तों यहाँ पे। आ जाइए
यहाँ से कुछ जगह पर ये पूरा कॉरिडोर हुआ करता था, यहाँ पर लड़कियाँ वगैरह घूमती थी। दिखाता हूँ, ये पहला रूम है इसका। सही आवाज़ है यार, कौन है? अरे भाई, दो से तीन बार अभी स्टार्ट ही हो गया एंटर के अंदर, एंट्री ली है हमने इसके अंदर, लोकेशन के अंदर दो से तीन बार आवाज़ आ चुकी है। ऊपर दिखा दो क्या हालत है इसकी। भाई आवाज़ है यहाँ पे, दिखाओ कोई आवाज़ है क्या? कोई चीज निकल गई यार, वो देख बैठी उठ रही, देख लगा कोई चीज निकल गई ऐसे बड़ी तेज किस। ये मैं मीटर निकाल लेता हूँ, ये निकाल दूँ कि इसका वॉशरूम है। तो ये मैं मीटर ऑन कर रहा हूँ, देखा देख बड़ी बंद है, ये हो गया ऑन, ठीक है। अभी भी वही देखा दोस्तों, लोकेशन के अंदर आते ही पूरी रीडिंग आ रही है, रिकॉर्ड हो रही है, इससे पता चलता है कि यहाँ पे एक चीज़ मौजूद है जो कि नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी कुछ भी। और एक दो बार आवाज़ें भी आ चुकी है, तीन बत्ती लाइट कम करने बोली। ओहो फुल रीडिंग भाई, बहुत तेज रीडिंग आ रही है भाई। तो क्या हम दोनों के अलावा यहाँ पे भी और चीज़ है? वो भाई फुल रीडिंग आई है, लाइट कम करने दो, लाइट कम कर दो। क्या हम दोनों के अलावा यहाँ पे कोई तीसरी चीज मौजूद है? जैसे मैंने सवाल पूछा वैसी रिप्लाई आया है। देखिए हमें पता कि आप यहाँ पे हो तो आप बिना नुकसान पहुँचाए कैमरे का क्या सकते हो भाई, रीडिंग देख रहे हो? हम बस देखने के लिए आए हैं आपको, हम पिछली बार भी आए थे तो आपने हमसे बात की थी, रिप्लाई दिए थे आपने। आप इस मीटर के आसपास आके बता सकते हो, अगर आप इसके पास आओगे तो यहाँ पे बत्तियाँ जलेगी, उससे हमें पता चलेगा कि आप यहाँ पे हो किसी भी रूप में, किसी भी तरह जब भी एक्टिविटी करके या इस मीटर के आसपास आके दिखा दो भाई। रीडिंग देखो, रीडिंग भाई, और रीडिंग दिखाओ भाई, फुल रीडिंग, मतलब वो चीज़ हमारे पास ही है भाई। हमें पता कि आप हमें देख रहे हो तो हम बस देखने के लिए आए हैं आपको, हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हम आपको नुकसान पहुँचाएँ। क्या आप हमसे कुछ बात करना चाहते हो? रीडिंग रीडिंग ज़्यादा मत, भाई किसी यहाँ कुछ हरकत हुई है यहाँ पर, क्या ये जो आवाज आ रही है ये आप कर रहे हो? ओ भाई भाई रीडिंग देखो, क्या ये आवाज़ आ रही है? दोबारा पूछता हूँ मैं, ये जो रोने की आवाज़ आ रही है, हमें पता आपके साथ बहुत गलत हुआ है, हमारा कोई मकसद नहीं आपको कोई नुकसान पहुँचाने का या आपकी जगह कोई नुकसान पहुँचाने का, हम बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पे चले जाएंगे। क्या ये आवाज़ जो रोने की आवाज़ आ रही है ये आपकी आवाज़ है? ओ भाई फुल रीडिंग, फिर पीछे दिखाओ जल्दी से, एक्सप्लोर करते हैं। देखा ये कमरा हुआ करता था, एक ऊपर की दिखा दो चारों तरफ, और ये पिछली बार जब हम आए थे बैन से जब चली थी तो यहाँ पे कोई चीज नहीं थी। चलो बाहर चलो, आ दो
इसका देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप बिना नुकसान के हमारे कैमरे के आगे आ सकते हो या हमारे आगे आ सकते हो, तो आ सकते हो आप बिना नुकसान पहुँचाए। क्या आप बिना नुकसान पहुँचाए कैमरे के आगे आ सकते हो, तो आ सकते हो आप बिना नुकसान पहुँचाए। हमें पता है कि आप यहाँ पे हो, तो रख दो मेरी थोड़ी लाइट कम कर दो। क्या आप बिना कोई सॉफ्ट भागा भाई, पीछे से सॉफ्ट भागा देखा मैंने भाई, मैंने भी देखा, कैमरे पे जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा। इधर दिखा दे भाई, आ जाओ अंदर, आ जाओ। कौन है? आवाज आ रही है लगातार, पजन की चीज की आवाज आ रही है, रोने की आवाज आ रही है लड़की की। हमें पता कि आप यहाँ पे हो, आपके साथ बहुत गलत हुआ है। धक्का दिया किसी चीज ने, देखिए आप बिना नुकसान पहुँचाए कैमरे का क्या सकते हो, ला जाओ, नहीं तो आपके साथ अगर आप नुकसान पहुँचा दोगे हमें, तो आपके साथ बहुत गलत हो सकता है। हम नहीं चाहते कि आपको कोई नुकसान पहुँचाना। हालत देख लो इसकी, ये आवाज आ रही है जिम में डाल देता। क्या ये आपको यार सामने कुछ दिख रही है? हैं, रुको रुको रुको, जूम कर, व्हाइट शैडो, व्हाइट शैडो, जूम कर, जूम कर, व्हाइट शैडो सामने, लाइट कर, लाइट भाई, कोई चीज निकल गई है, वो व्हाइट बिल्कुल साफ देखिए। ये लास्ट का मतलब ये रह गया था ना, बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे भी एक्टिविटी आपको लग रहा है, कोई चीज हमारे आसपास घूम रही है। लगातार आवाजें आ रही है। कौन है यहाँ पे? ले लो उसको, जल्दी जल्दी जाओ भाई, जल्दी जाओ, लेके आओ, ले लाइट पकड़ो, सीधा ढूंढ कैमरा, समझ सेफ्टी लेके। कौन है?
कौन है? कुछ कुछ चीज़ है, कौन है? सेफ्टी का टेंशन बोले कुछ नहीं होगा। ठीक है तू यहाँ को पकड़ क्या भी? ये कैमरा पकड़ो, कैमरा पकड़ो, ये पकड़ो भाई। बहुत जोर से गलत बात है किसी ने मेरा कोई एक्टिविटी सब सारी बंद हो गई थी। निकलो यहाँ से, निकलते हैं। दोस्तों लोकेशन से बाहर आ गए हैं, जैसा कि आपने देखा वो चीज़ हमें मारना चाहती थी, इतना ज़्यादा अटैक करा उसने मेरा और विमल भाई के ऊपर, इतना अटैक करा, गला दबाया भाई मेरा, पूरा गला दबा दिया था उसने, बहुत बिल्कुल शांति नहीं आ रही थी। सेफ्टी लेकर गए थे हम, आपको बताइए सेफ्टी उज्जैन महाकाल से हमारे सब्सक्राइबर भाई ने भेजी हमारे लिए, इसकी वजह से हम आज जिंदा बच गए, आ गए हैं वापस। तो दोस्तों वीडियो कनेक्ट करो मैं यहीं पर, तब तक देखते रहो द डेविल्स वीडियो, मैं डेविल मिलते हैं किसी अगली हॉन्टेड लोकेशन पर। राम राम।